Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. एक साल के प्रतिबंध की वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर कनाडा में 28 जून से ग्लोबल T20 खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्मिथ को लीग के पहले सत्र में मार्की खिलाड़ी चुना गया। स्मिथ को मार्च में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ी विवाद में 12 महीने का प्रतिबंध झेलना पड़ा था। इसी मामले में वार्नर पर भी 12 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। वार्नर को तीसरे दौर के ड्राफ्ट में चुना गया। वहीं स्मिथ को दूसरे दौर में टोरंटो नेशनल्स ने खरीदा। अब वह वेस्टइंडीज के डरेन सैमी और किरोन पोलार्ड के साथ खेलेंगे। इस टूर्नामेंट में एडमंटन, मार्टियन और वैंकूवर के साथ एक कैरिबियाई टीम भी होगी। यह टूर्नामेंट 28 जून से 15 जुलाई तक खेला जाना है। आपको बता दें, गेंद से छेड़छाड़ वाले मामले में पहले ही काफी विवाद हो चुका है। इस विवाद में वार्नर, स्मिथ समेत 3 खिलाड़ी अपनी गलती मानते हुए माफी मांग चुके हैं।